YouTube चैनल फिल्मी पंडित के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामानंद सागर की रामायण और रामायण में ढेरों किरदार निभाने वाले और हाल ही में फेमस होने वाले असलम खान के बारे में। रामायण सीरियल 1987 में स्टार्ट हुआ था और इस सीरियल के डायरेक्टर रामानंद सागर ने अपने अधिकतर आर्टिस्टों से जो छोटे छोटे रोल किया करते थे उनसे बहुत सारे रोल करवाए थे, लेकिन तब अधिकतर घरों में छोटे और ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, इसलिए इन बातों पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था। पर लॉकडाउन में जब रामायण दोबारा रीटेलीकास्ट हुआ, लोगों ने इसे फिर से लॉकडाउन में या इंटरनेट पर देखा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस की और लोगों ने इन्हें पहचाना। असलम खान ने रामानंद सागर की रामायण में ढेरों छोटे छोटे किरदार निभाए थे, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे श्री राम प्रभु के वनवास मिलने पर और उनके वनवास में महर्षि भारद्वाज के मिलने तक असलम खान ने कितने किरदार निभाए। असलम खान सबसे पहले रामायण में नजर आते हैं पहले ही एपिसोड में संत एकनाथ बने हुए। वाल्मीकि कवि को इसके बाद ये नजर आते हैं सीता के स्वयंवर में शहनाई बजाते हुए। अब ये सीता माता के स्वयंवर में राजाओं के पीछे उनके मंत्री बने हुए खड़े हैं। कोई यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। अरे बारियाने तो देखना कैसे फूल की तरह इसे उठाता हूँ। महाराजा दशरथ के पास अब राजा जनक का दूत आया है और यहाँ पर ये राजा दशरथ के साथ बैठे हुए हैं। मिथिला के महाराज जनक का दूत देवव्रत, अयोध्या में आपका स्वागत है श्रीमान देवव्रत। और अब असलम खान श्री राम के विवाह समारोह में बराती बने हुए हैं। अब राज्यसभा में श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है और असलम खान यहाँ पर भी उपस्थित हैं। सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने निश्चय किया है ये निर्णय राजनीति के अनुसार उचित है। अब श्री राम को राजा बनाने की घोषणा हो चुकी है, इसलिए सारे अयोध्यावासी उत्सव मना रहे हैं और अब ये अयोध्यावासी बने हुए हैं। अब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और ये संगीत मंडली के साथ बैठे हुए हैं। संगीत बंद कर दो। अब श्री राम वनवास को निकल चुके हैं और ये महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आए हुए हैं और असलम खान यहाँ पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में एक मुनि बने हुए हैं। तो इस प्रकार श्री राम के वनवास में महर्षि भारद्वाज के मिलन तक असलम खान ने अब तक 10 किरदार निभा दिए हैं। काश लोगों ने इनके काम को तभी नोटिस कर लिया होता तो जो पहचान इन्हें आज मिल रही है वो बहुत पहले मिल चुकी होती। तो बने रहें हमारे चैनल फिल्मी पंडित के साथ और जल्दी हम असलम खान की दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इनके बाकी के रोल्स देखेंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अननोन फैक्ट जानने के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल फिल्मी पंडित। आपका दिन मंगलमय हो।